अच्छा मैम, चार आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम जी आवाज क्लियर है? यस मैम। अच्छा एक मिनट तक मैं वेट कर रही हूँ, पार्टिसिपेंट सारे आ जाएं तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। स्क्रीन भी नजर आ रही है सबको? स्क्रीन मैंने शेयर की है। यस मैम आ रही है। मैं भी नजर आ रही हूं? यस मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से सभी आ चुके हैं मेरे पार्टिसिपेंट्स। अच्छा आप लोगों ने रीजनल अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया, जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया। अब सबसे आसान जो अल्ट्रासाउंड है ना वो है मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर समझने वाला कुछ ऐसा है नहीं, बिकॉज आप लोग अल्ट्रासाउंड का बेसिक सारा पढ़ चुके आए हो। ठीक है, क्या होती है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड करते कैसे हैं, कि पेशेंट की प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए, प्रोब्स कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हुई हैं पहले। अब जो हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करना है, स्पेसिफिक एक रीजन है, डैट मीन्स आपने सिर्फ मसल्स को देखना है, मसल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, मसल्स किसके साथ अटैच होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, और ठीक है लिगामेंट्स क्या होते हैं, बोन्स, क्योंकि ये हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड में पढ़ना है। ठीक है, मेनली मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए आपकी ग्रिप क्या अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को एनाटॉमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि एनाटॉमी तो ऑब्वियसली हर एक इमेजिंग जिसके भी जो भी इमेजिंग आप करते हो उसकी मोडेलिटी जब भी यूज करते हो उसके लिए आपने एनाटॉमी, तो इमेजिंग वालों को इस तरह फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आप कोई भी इमेज कर रहे हो ना, अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, एक्सरेस कर रहे हो, सीटी स्कैन कर रहे हो, एमआरआई कर रहे हो, आपको सारी की सारी जितनी भी एनाटॉमी है ना वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या आप कोई भी प्रोब रखते हो, कोई भी इमेज देखते हो, साथ ही आप बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है, और आपको विजुअलाइजेशन हर मोडेलिटी के ऊपर उसकी थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, एक्सरेज हो गया या फिर सीटी स्कैन एमआरआई हो गया, वो हमारे पास स्टैटिक इमेजिंग है। ठीक है, हमारे पास एक इमेज आ जाता है और हम बता देते हैं ये। ठीक, फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ये जो हमारे पास मोडेलिटीज है ना, इसके अंदर ये कौन सी इमेजेस है, इमेजिंग है, ये डायनामिक इमेजिंग है, ये लाइव इमेजिंग है। इसके अंदर थोड़ी सी एनाटॉमी को उस तरह रीड करना मुश्किल होता है जिस तरह एक स्टैटिक इमेजिंग में होता है। समझ आ रही है इस बात की? स्टैटिक क्या होता है कि आपने सिर्फ एक इमेज सामने देखा है, ये पिक्चर है, इसमें ये चीज ये पड़ी है, ये चीज ये पड़ी है, ये पड़ी। ठीक है, लाइव जब कर रहे होते हो ना स्कैन, उस वक्त थोड़ी सी समझनी मुश्किल होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी टिल्ट करोगे कोई चीज तो उसके साथ वाली चीज आपको उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, उसकी एक्जेनिसिटीज थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। ठीक है, तो मेनली मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपकी एनाटॉमी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, ये हम लोगों ने जितने भी इसके अंदर पढ़ने हैं ना रीजन, उसमें सिर्फ हम तीन तीन हर रीजन के तीन तीन लेक्चर्स पढ़ेंगे। दैट मीन्स के हम पहले उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, हमने कुछ रीजन डिवाइड किया हुए मस्कुलोस्केलेटल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल नी, फॉर एग्जाम्पल नी का है, फिर उसके पास शोल्डर का है, फिर हमारे पास एंकल है, फिर हमारे पास स्पाइन है, इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट रीजन को ना डिवाइड कर लिया हुआ। रिस्ट है हमारे पास, तो उनके हम पहले क्या करेंगे, पहला लेक्चर हुआ करेगा हर रीजन का एनाटॉमी का।
ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने नी की एनाटमी बहुत अच्छे से एक लेक्चर में पढ़ ली, अगला लेक्चर हुआ करेगा हमारी नी की पैथोलॉजीज के बारे में, कि हमें पता है कि नी के अंदर ये पैथोलॉजीज हो सकती हैं। और थर्ड लेक्चर हुआ करेगा अल्ट्रासोनोग्राफिक टेक्निक्स, के नी की अल्ट्रासोनोग्राफी हम कैसे करेंगे। हमने एनाटमी पढ़ ली, दैट मीन्स हमें नॉर्मल चीजों का पता चल गया। हमने पैथोलॉजीज पढ़ ली, हमें पता चल गया कि ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, ये उसकी चेंजेस हैं, ये नॉर्मल नहीं है, डेट मीन जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो हम लोग किस थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि हम लोगों ने प्रोब पोजीशन कैसे रखनी है, उस पेशेंट की प्रेपरेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें हमारे थर्ड लेक्चर में हुआ करेंगे। ठीक, हर लेक्चर के तीन समझ आ गई, एनाटॉमी, सेकंड वाली पैथोलॉजीज एंड थर्ड वाली अल्ट्रासाउंड टेक्निक। इस तरह हम लोग मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो सारे रीजन्स कवर कर लेंगे, मेन मेन रीजन्स हम लोगों ने इसमें रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आज जो लेक्चर है हमारा, वो आप स्लाइड्स देख के शायद आधे बच्चे फिर से सो गए हों रोजा रख के, इतनी ज्यादा स्लाइड्स हैं। लेक्चर वन और लेक्चर टू दोनों ही हैं। ठीक है, लेक्चर वन भी यही है, लेक्चर टू भी यही है, आधी स्लाइड जिसके हमने आज कवर करनी है और लेक्चर टू वाला जो है वो भी यही होगा, तो आधी स्लाइड्स हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये आज का लेक्चर जो है ना, वो सारी बेसिक्स हैं मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की। बेसिक्स मैम, इसकी लैब भी होगी क्या? आवाज नहीं आई। लैब भी होगी इसकी? लैब लैब क्या कह सकते हैं, अभी कोविड की वजह से मशीन तो हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, और मैंने आप लोगों का बल्कि रीजनल अल्ट्रासाउंड की भी रखनी थी, वो उसकी क्लासेस रखनी थी, लेकिन वही कोविड की वजह से अलाउ ही नहीं हो पा रहा कि स्टूडेंट्स को आप अलाउ करोगे वो यूनिवर्सिटी आ सके। तो वो तो मैंने बल्कि इवन स्टूडेंट से कहा भी था, मुझे ग्रुप्स में आप लोग अपना बना के दे दो नाम, थोड़े थोड़े बच्चे 10-10 का ग्रुप बना लो ताकि हम उस तरह उनको बुला लें, लेकिन सर ने अभी हमें परमिशन नहीं दी थी कि हम आप स्टूडेंट्स को इस तरह बुला सके ना। तो अल्लाह करे कि इस सेमेस्टर के एंड तक सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाए और जो है ना बेहतर नहीं अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता, इसी तरह लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो क्या लैब फिर नहीं हो सकेगी हमारी? मेरी कोशिश है कि इस दफा सर से बात करके, क्योंकि हमारे पास पहले स्पेस नहीं थी, अब हम लोग की लैब्स, ये देखो ये जो SHS की बिल्डिंग के अंदर काफी बड़े बड़े रूम्स बने हुए हैं। ठीक है, वहां पे हम, मैं सर से बात करूं और सर से कहूं कि हमें थोड़े बच्चों को भी, 5-10 बच्चों का भी अगर दे देना परमिशन दे दे, तो हम लोग स्पेस है, हम लोग वहां पे करवा सकते हैं उनका प्रैक्टिकल ना। लेकिन मैम इस तरह हमें, ठीक है वो तो अलग रे हो जाए, लेकिन अगर मतलब लॉकडाउन इसी तरह रहता है कंटिन्यू और इस तरह परमिशन भी मिल जाती है, तो अब हमें मतलब 1-2 दिन के लिए या सिर्फ लैब के लिए स्पेशली आना पड़ेगा जो मतलब इस तरह दूर रहते हैं स्टूडेंट्स? अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं। अच्छा, हम लोग अगर लैब करवाएंगे भी तो एंड ऑफ द सेमेस्टर, ताकि हम पढ़ लें फिर उसके बाद हम देखें कोई चीज मतलब एंड पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो फिर कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी हम लोग ड्यूरिंग जो हमारे लेक्चर्स है ना, उसमें मैं प्रैक्टिकल नहीं अभी रखवाऊंगी, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जब हमें पता होगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमारे ज़हन में कुछ थ्योरेटिकल भी तो होगा ना कि हम देख क्या रहे हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, नजर क्या चीज कैसे आती है। तो वो जब हम इंशाल्लाह सेमेस्टर के एंड में जो है ना हमारे पास टाइम होता है, तो तब हम लोग ना क्या कहते हैं, बाकी टीचर्स के तो अभी क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई हैं, काफी टीचर्स के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कुछ लेक्चर्स ले रहे हैं, कुछ अभी इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं, मैंने अभी अभी से स्टार्ट कर दिए हैं लेक्चर्स, ताकि हमारे पास एंड में टाइम हो और हम लोग उसको प्रैक्टिकल्स के लिए अवेल कर सकें। ये जो आपने मतलब ये 3-3 लेक्चर्स का अभी हमें बताया है, तो ये 3 लेक्चर जो है वो एक रीजन के बारे में होंगे? हाँ, मतलब अभी पहला लेक्चर होगा बेसिक्स का, ठीक है, वो 2 लेक्चर्स ये हो जाएंगे, क्योंकि 35 स्लाइड या 40 स्लाइड्स हम आज पढ़ लेंगे, देख लेंगे जितना होता है, बाकी हम लोग कल कवर कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर। टोटल जो है वो हमारे कितने रीजन हमने पढ़ने हैं इसमें? मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों ने ना मेजर रीजन रखे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग माइनर, जो मतलब कुछ मैंने ऐसे रीजन जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो मैंने कुछ असाइनमेंट्स के लिए रखे हुए हैं कि आप लोग वो चीज जब आप मेजर मेजर पढ़ लोगे ना, तो वो आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है कि ये वाला रीजन अब आपने मुझे असाइनमेंट में, फॉर एग्जाम्पल फिंगर का अल्ट्रासाउंड करना है, तो आप मुझे फिंगर के लिए कोई उसकी एनाटॉमी, उसके अंदर नजर चीजें कैसे, वो आप असाइनमेंट छोटी छोटी जो मैंने रीजन रखे हैं, बाकी मेजर हम अपने इसमें कवर कर लेंगे, जिस तरह शोल्डर हो गया, नी हो गया, स्पाइन हो गया। ठीक है, ये जो मेजर जो प्रॉब्लम हमारे मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड में इनकी आती है। अच्छा, आप स्टार्ट करें लेक्चर? जी मैम, थैंक यू। सारा कुछ चलो। अच्छा, मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए अब हम लोगों को सबसे पहले क्या चीजें पता होनी चाहिए, इंडिकेशंस। इंडिकेशंस दैट मींस के अब पहले तो हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ ली, अब पहले मुझे ये बताओ कि मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड है, उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज, मसल्स, ठीक है, मसल्स अटैच कैसे होते हैं, लिगामेंट्स,
बोन्स कैसे अटैच होती हैं? टेंडन्स, सॉरी मसल से जो अटैचमेंट है बोन के साथ वो है टेंडन, और जो जो हमारे बोन टू बोन अटैचमेंट होती है वो होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट्स का तो पता है ना आपको। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या है, नंबर वन मसल्स आ गए, नंबर टू लिगामेंट्स आ गए, नंबर थ्री टेंडन्स आ गए। फिर हमारे पास वहाँ पे फ्लूड्स होते हैं कुछ, साइनोवियल फ्लूड्स। ठीक है, उन जो हमारे पास ज्वाइंट्स बनते हैं जितने भी, उन ज्वाइंट्स के ऊपर हमारे पास कुछ फ्लूड्स हैं। ठीक है, वो आपने ये बेसिक्स में पढ़ लिया हुआ है, रीजनल में पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास एक्यूजेनिसिटीज कैसे नजर आती हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज। ठीक है, अब आपको एनएक्विक स्ट्रक्चर्स पता हैं कौन से हैं। एनएक्विक जो है वो हमारे पास फ्लूड फिल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हमारे पास ब्लैक नजर आते हैं। हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्राइट नजर आते हैं। हाइपर की डेफिनेशन अगर पूछूं तो क्या आपको, अभी तक काफी बच्चे हैं, कितना हम पढ़ चुके हैं अभी तक, यही बेसिक चीजें नहीं पता है आप लोगों को। हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? ब्राइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हाइपर एक्विक मतलब के हमारे पास एक्वोज वापस ज्यादा आ रही है, हाइपर है वो। ठीक है, वो स्ट्राइक करके वापस आ रही है, तो स्ट्राइक करके वापस उन्हीं स्ट्रक्चर से आती हैं जो कि हार्ड होते हैं। हमारे हार्ड स्ट्रक्चर्स हमारे पास बोन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारी जितनी भी कुछ ऐसे लीजन्स हैं, कुछ ऐसे कैंसरस लीजन्स हैं जो कि हमारे पास हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर जितने होते हैं वो हमारे पास हाइपर एक्वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो विजुअलाइजेशन है, उनकी एक्वोजेनिसिटी जो है वो हाइपर एक्विक होती है, ब्राइट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एन एक्विक कौन होते हैं? एन मीन एब्सेंट, एक्वोज नो एक्वोज। ठीक है, कोई रिफ्लेक्ट होके हमारे पास एक्वोज नहीं आ रही है, डेट मीन्स दे आर एन एक्विक। और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वो फ्लूड फिल स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर ब्लैक। ठीक है, एंड थर्ड क्या था हमारे पास? हाइपो एक्विक था, जो कि ग्रेइश स्ट्रक्चर्स थे और वो हमारे पास इंटरमीडिएट से होते हैं कि उसमें से कुछ रेस पास कर जाती है, रेस कह रही हूँ वेव्स। ठीक है, वेव्स पास कर जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, कितना हार्ड है वो स्ट्रक्चर, लिवर हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, तो ग्रे के शेड्स जो होते हैं वो थोड़े, अब आपको पता है कि पूरी दुनिया ही ये जो रेडियोलॉजी की है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है। 32 शेड्स हैं जो कि एक ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट ग्रे शेड्स। ठीक है, 32 शेड्स को डिफरेंशिएट एक ह्यूमन आई कर सकती है, तो इतने ज्यादा हमारे ग्रे शेड्स, इसीलिए हम कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इसकी अच्छी है। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हेन यू कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट शेड्स, दो ग्रे शेड्स साथ साथ पड़े हुए हैं तो अगर आप उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो डैट मीन्स इनकी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी है। ठीक है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बड़ी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, लड़कियां तो बड़े शेड्स बता देती हैं, लड़कों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं कहूँगी कोई पिंक कलर की लिपस्टिक ही ले आओ ना, तो लड़कियां पता नहीं बेबी पिंक, तो पता नहीं फलाना पिंक, तो कौन सा पिंक, तो लड़का है कि पिंक पिंक उठा लेगा कि ये पिंक ही होता है। ठीक है ना, वो वाला वो एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट जो हमारे ग्रे के शेड्स है ना, तो उनको डिफरेंशिएट करना इज द कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। और अगर उस मशीन की कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी है, यू कैन डिफरेंशिएट। अब मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए ना वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन उस मशीन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स, तीन चार ही तो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमने देखने होते हैं, मसल्स देखने हैं, नर्व्स देखनी है, हमने लिगामेंट्स देखने हैं, हमने टेंडन्स देखने हैं। बोन्स तो आपको पता ही है, इतने ब्राइट नजर आएंगी तो आपको वो तो डिफ्रेंशिएट कर ही पाएंगे आप उनको। ठीक है, कुछ ऐसे लीजेंस है तो इन उन मशीन्स की रेजोल्यूशन या वो हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब्स हमने यूज करनी है जिनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी हो कि यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स नजर कैसे आते हैं, ये हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या इंडिकेशंस हैं कि आप मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करें? वैसे एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड पाकिस्तान में बहुत कम किया जा रहा होता है। बहुत कोई स्पेशल किस्म के जो है ना हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, वो ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ पे इतना अच्छा कोई हो नहीं रहा। बाकी इसके लिए ज्यादा बेहतर वो MRI करवा लेते होते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने काफी चीजें इसके ऊपर क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जो ज्यादा बेहतर होता है कि वो MRI करवा लीजिए अगर कुछ ऐसी हमारी डिजीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऑन द सेफ साइड क्विक स्कैन है और इसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसी चीजें जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेशंस क्या हैं जिनके लिए हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करेंगे? नंबर वन इज द पेन एंड डिसफंक्शन, पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उस गिर गया है कहीं पे, उसका कहीं मसल जो है वो रप्चर तो नहीं हो गया, उसका टेंडन तो नहीं रप्चर हो गया। ठीक है, वो सारी चीजें, टीयर तो नहीं आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें देख सकते हैं हम अल्ट्रासाउंड के अंदर फौरन से। ठीक है, क्योंकि ये क्विक होता है, सेफ होता है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती। ठीक है, तो और MRI के अंदर भी कोई रेडिएशन नहीं है, बट वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, आपको पता है कि एक स्कैन करने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक स्कैन को परफॉर्म करने के लिए। बट अगर छोटी मोटी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं, तो दीज आर सम इंडिकेशंस।
नंबर टू सॉफ्ट टिश्यू या बोनी इंजरी है, टेंडन और लिगामेंट पैथोलॉजी, आर्थराइटिस, कोई भी हमारे पास जो भी ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। आपको पता है ना, मैं बार बार बताती हूँ, तो मैंने वाइवा के अंदर काफी लोगों से क्वेश्चंस कभी इस तरह पूछ लेती होती हूँ, अगर वो नहीं भी होता ना, मैं कहती हूँ बताओ पेंक्रियाटाइटिस क्या होता है, बताओ कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, ये होता है, वो उनसे नहीं होता। लेकिन आपको पता है ना, आपने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है, आइटस जिसके एंड में आ गया, डैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ डैट ऑर्गन, ठीक है, पेंक्रियाटाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने चीजें कुछ मेडिकल की याद करनी होती हैं। तो आर्थराइटिस है, इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स, जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साइनोवाइटिस है, ठीक है, अंदर साइनोवियल फ्लूड है ज्वाइंट्स के अंदर, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या सिस्टिक डेपोजिशन डिजीज, मतलब कुछ सिस्ट या कोई भी डेब्रीज या कोई भी हमारे पास फॉरेन बॉडी वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, फिर हम लोगों को वो इस तरह वाइट वाइट से छोटे छोटे डॉट्स नजर आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर बॉडीज हो सकती हैं, वही मतलब कोई भी इस तरह की फॉरेन बॉडीज हो गई, ज्वाइंट इफ्यूजन है, आपके पास फ्लूड जो है वो ज्यादा अकमुलेट होना शुरू हो गया है वहां पे, ठीक है, स्वेलिंग होना शुरू हो गई है पेशेंट को उस जगह पे, ठीक है, आप देखते हो तो उसके अंदर आपको फ्लूड बहुत ज्यादा नजर आता है। नॉर्मल फ्लूड कितना होता है वो हम आगे वैल्यूज पढ़ेंगे, अगर इससे एक्सीड कर जाए डैट मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स डिजीज। फिर हमारे पास है नर्व इंट्रैपमेंट इंजरी, न्यूरोपैथी, मैसेज या सबलक्सेशन। सबलक्सेशन क्या होता है कि हमारे पास पार्शल जो है वो डिसलोकेशन हो जाती है, कोई भी ज्वाइंट या कोई बोन हमारे पास डिसलोकेट हो गई है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास लिगामेंट यहाँ पे वो डिसलोकेट हो गया पार्शल, ठीक है। अच्छा, नर्व के अंदर नर्व पैथोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक वो की थी, एक सेमिनार अटेंड किया था और मुझे बड़ा मजा आया था ये करके कि नर्व किस तरह की नजर आती है और नर्व की डिजीजेज जो है, ज्यादातर लोग मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड नर्व के लिए कर रहे होते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नर्व की जो सेंसेशन, मतलब कि एक पेशेंट है आपके पास आया है कंप्लेन के साथ के, उसकी जो है ज्यादातर जो है ना, जो हम लोगों के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं जिसके लिए हम उसको ना एनेस्थीजिया देते होते थे पहले, ठीक है, उसका कोई मतलब कोई भी ऑपरेट करना है, हाथ का कुछ भी इधर कुछ सिस्ट बनी हुई थी उसको ऑपरेट करना है, ठीक है, उसके लिए के जनरल एनेस्थीजिया देने की बजाय हम लोग उसको लोकल किस तरह देंगे, वो नर्व जो कि उस एरिया को सप्लाई कर रही थी हम उसको क्या करेंगे, कोई सेडेट कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी किस तरह हम करते हैं, फिर हम वो हम लोग लाइव कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है वो प्रोसीजर, अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखते हैं, नर्व आपको नजर आनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड पे नर्व दिखती कैसे है, अगर आपने नर्व देख ली है, ठीक है, ये नर्व है, उसके थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास जो भी मेडिसिन होगी, ठीक है, हम वो उसको नर्व को ब्लॉक कर देंगे। तो नर्व ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो कि आजकल किए जा रहे हैं, ठीक है, आपको नर्व नजर, नर्व के अंदर नहीं आपने नीडल ले जानी है, ठीक, आपने उस नर्व से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक, आपको साथ साथ नजर आ रहा होता है बिकॉज यू आर डूइंग अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी, ये आपको कहलाता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं, डैट मीन्स आप अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखते हुए उसमें से कोई किसी को ब्लॉक कर रहे हो, डैट मीन नर्व ब्लॉक हो गया, कोई प्रोसीजर, कोई इतना ज्यादा फ्लूड हो गया था कि आपको फ्लूड एस्पिरेट करना पड़े, ठीक है, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होता है, ठीक, उसको एस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, अगर कोई बायोप्सी करनी हो फिर भी हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं, हमें पता है कि हमने प्रोब रखना का नुकसान तो है नहीं, हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ही जाते हैं, हम बार बार पेशेंट को जो है वो इस तरह प्रॉब्लम जो क्या कहते हैं उसको, इन्वेसिव प्रोसीजर जो है वो उसको इतना ज्यादा नहीं करते, ठीक है, तो नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन है एवेलुएशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू मैसेज, स्वेलिंग और द फ्लूड कलेक्शन। और इंडिकेशंस क्या हो गए, फॉरेन बॉडीज इन द सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यूज, प्लानिंग एंड गाइडिंग एंड इन्वेसिव प्रोसीजर, जो कि मैंने अभी बताया, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर अगर आपने प्लान करना है तो वो आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट प्रोसीजरल एवेलुएशन, ठीक है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं फॉर द मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, ये आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी इंडिकेशंस के बायोप्सी के लिए भी कर सकते हैं हम, इन्वेसिव प्रोसीजर्स के लिए भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं, नर्व को ब्लॉक करने के लिए भी कर सकते हैं, मेन बेसिक्स तो हमारे पास पेन है, डिसलोकेशन है, ये वो सारी चीजें तो हम लोगों ने करनी ही करनी है, ठीक है। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म व्हेन देयर इज अ वैलिड मेडिकल रीजन, देयर आर नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वो आपको पता ही है। अच्छा,
फिर हम लोग करते क्या है कि इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये कि रियल टाइम इमेजिंग है, इसके अंदर कोई स्टैटिक इमेजिंग नहीं है, अल्ट्रासाउंड सारी की सारी रियल टाइम इमेजिंग है, डेट मीन्स हम लोग उसको लाइव स्कैन कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम इमेजेस लेके बाद में नहीं देख सकते हैं, स्टैटिक इमेजिंग नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि ओवरलैप करके हमारे पास पीछे ऑब्सक्यूर हो जाती है, या फिर हम लोग उसको दूसरे व्यू के अंदर ज्यादा अच्छी नजर आ रही होती है। तो दिस इज रियल टाइम इमेजिंग। इसके लिए हम लोगों को कौन सी प्रोब चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि हमने सुपरफिशियली सारी चीजें देखनी है, हमने मसल्स देखने हैं, हमने टेंडन्स देखने हैं, हमने लिगामेंट्स देखने हैं, हमने जॉइंट्स देखने हैं, तो वो सारी सुपरफिशियल है। तो जितनी अच्छी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, उतना अच्छा स्कैन होगा, उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी और उतना अच्छा हमें उस पर नजर आएगा। ठीक हो गया। एंड अलाउज गाइडेंस ऑफ द बायोप्सी नीडल्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड गाइडेड, जो कि बायोप्सीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मेक्स मस्कुलोस्केलेटल सोनोग्राफी अ पावरफुल टूल फॉर डायग्नोसिंग एबनॉर्मलिटीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। इक्विपमेंट कौन सा है? मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर इज अ लॉन्ग स्ट्राइटेड मेनी टाइम्स लेयर्ड टिश्यू। अब आपको पता है मसल्स कैसे होते हैं, मसल्स के अंदर आपने स्ट्राइएशंस देखी है, ऐसी लंबी लंबी सी धारियां होती हैं, ठीक है। अब वो अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आएंगे? हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड नजर आ रहा है आपको बोर्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास एक मसल था, अगर आप इसको लॉन्गिशनली मसल देख रहे हो तो उसके अंदर आपको स्ट्राइएशंस मिलेंगे। ये आप देख रहे हो लॉन्गिशनल स्कैन, जब आपने प्रोब रखी है यू, ठीक है। ये अगर मैं, मेरा अगर हो रहा है स्कैन तो मेरे ऊपर ये प्रोब रखेगी, यू डायरेक्शन हो गई, तो उसका पॉइंटर किस साइड पे होगा? पेशेंट के हेड की तरफ। दैट मीन्स यू आर डूइंग द लॉन्गिशनल स्कैन। लॉन्गिशनल स्कैन के अंदर हमारे पास पूरा इलांगेटेड चीज नजर आती है। तो इसके अंदर अल्ट्रासाउंड, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लॉन्गिशनल स्कैन ज्यादा से ज्यादा करें, हमें डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो इस पे ज्यादा अच्छी नजर आती है, ठीक। अच्छा, मसल्स के अंदर आपने देखा होगा स्ट्राइएशन होती है, स्ट्राइटेड मसल्स है ना, इस तरह लाइन्स नजर आएंगे। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड पे देखोगे ना, तो ये वाले जो हमारे पास जो उसका आउटर मार्जिन होते हैं ना, ये ज्यादा ब्राइट होते हैं, जो इसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें नजर आएंगी, दीज आर द स्ट्राइटेड लॉन्ग लॉन्ग सी हमारे पास स्ट्राइशंस नजर आ रही हैं, कि हमारे पास लाइंस बारीक बारीक सी वो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर नजर आएंगे, ठीक है। ड्यू टू द स्ट्राइटेड मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस टिश्यू एंड देयर सुपरफिशियल लोकेशन, हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर आर बेस्ट सुटेड फॉर दिस एप्लीकेशन। समझ आ गई है ना, हम लोगों ने हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज करनी है। रीजन क्या है मस्कुलोस्केलेटल के लिए? एक, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स है, नंबर टू स्ट्राइएटेड है। जितनी स्ट्राइएशंस हैं दैट मींस इलांगेटेड है, लंबी लंबी है, हमें लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर प्रोब के ऊपर ज्यादा अच्छी नजर आएंगी ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी। रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 8 मेगाहर्ट्ज़, 7.58 मेगाहर्ट्ज़ जो है ना हमारी मिनिमम होती है, उसके ऊपर भी हमें नजर आना शुरू होता है। जितनी हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतनी अच्छी हमारी रेजोल्यूशन होती जाएगी, ठीक है। 8 से ज्यादा अगर हम कर रहे हैं तो डेट मीन्स हम लोग उसकी रेजोल्यूशन बेहतर कर रहे हैं और हमें उसकी जितनी भी अच्छी होगी नजर आएगा हम लोगों को, तो हम लोग उतनी अच्छी हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 7.5 मेगाहर्ट्ज़ या 8 मेगाहर्ट्ज़, ओके। प्रोब प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड। आपने प्रोब जिस तरह कुछ मैंने देखा था, आप लोगों से मैंने नहीं करवाया था स्कैन, सीनियर से मैं करवाती थी ना, वो डर डर के जब स्कैन करते थे ना तो आधी प्रोब को यूं हवा में उड़ाया होता था, ठीक है। जब आपकी स्किन के साथ जो है वो हमारी प्रोब अटैच नहीं होगी ना, जहाँ पे एयर आ गई बीच में, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर हमें ब्लैक नजर आना शुरू हो जाएगा। उसकी ब्लैक नजर आने की वजह से उसकी एक्रोजेनोसिटी हमें डिफरेंट नजर आ सकती है और वो हमें उसको पैथोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोब है ना वो स्किन के साथ बिल्कुल कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हमने देखने हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना उसका प्रोब का क्या कह सकते हैं, हवा में हुई या बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं है स्किन के साथ, उसकी एक्जेनेसिटी डिफरेंट होगी। और एक्जेनेसिटी डिफरेंट होगी, 3-4 तो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो हमने मस्कुलोस्केलेटल में देखने हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक्जेनेसिटी डिफरेंट हुई, आप उसको कोई और चीज समझ लोगे, पैथोलॉजी समझ लोगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्रोब प्लेसमेंट कैसे रखनी है। ड्यू टू द क्लोज अप्रॉक्सिमिटी ऑफ द सेवरल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स इन स्मॉल एरिया, अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोब कैन प्रोड्यूस इनएक्यूरेट इमेजेस, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। अच्छा, इमेज ओरिएंटेशन आपको पता ही है, ये तो हम लोग अल्ट्रासाउंड में भी पढ़ते आ रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन के लिए पॉइंटर किस साइड पे होना चाहिए? पेशेंट के हेड की तरफ। दैट मींस ये आपने प्रोब पोजीशन रखनी है, ठीक है। अब आपने ये पोजीशन रखी है तो आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज कैसा नजर आएगा? ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है।
है, ये आप बैठे हुए इस तरह इसके बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास पेशेंट है, आपकी राइट साइड पे पेशेंट होता है, आपने उसका स्कैन कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर, अगर आपने लॉन्गिट्यूडिनली यू पेशेंट के ऊपर रखा है, ये जो पॉइंटर है ये इसके पेशेंट के हेड की तरफ है, नजर आ रहा है ना सबको? यस मैम। ये इसका जो पॉइंटर है इट शुड बी टुवर्ड्स द पेशेंट हेड, दैट मीन्स आप लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन कर रहे हो, और स्क्रीन के ऊपर जो हमारी लेफ्ट साइड है ये वाली, यहाँ पे हम पेशेंट की आप समझ लो कि जो उसका हेड वाले स्ट्रक्चर्स है ना वो इस साइड पे नजर आएंगे और जो फीट वाले स्ट्रक्चर्स है वो इस साइड पे नजर आएंगे, आप समझ लो कि आप इसको उठा के पेशेंट को यूं देख रहे हो इमेज के ऊपर, ठीक हो गया, समझ आई? आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन के अंदर जो हेड वाले स्ट्रक्चर्स है ना वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर स्कैन करी थी, एग्जाम्पल दे रही हूँ बड़ी बड़ी, यहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा नीचे और लिवर है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे और इंटेस्टाइन है, मैं जब यू स्कैन कर रही हूँ ना ये लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन, तो हार्ट हमारा इस तरफ नजर आएगा, सेंटर में हमारे पास लिवर आ जाएगा, इस तरफ हमारी इंटेस्टाइन आ जाएगी, आप समझ आई बात की? तो लेफ्ट साइड, यस मैम, लेफ्ट साइड, ठीक। इसी तरह जब हम लोग इसका एक्सियल या ट्रांसवर्स इमेजिंग करते हैं उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो ये पेशेंट है ना, पेशेंट का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, पेशेंट यूं लेटा हुआ है, ये उसकी फीट है, ठीक है, ये कार्टून अजीब सा बन गया, ठीक है, ये उसके जो है ना फीट है, और जो है ये उसके दोनों राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो जब आपने लॉन्गिट्यूडिनल रखा था, ये ट्रांसवर्स रखा है, ट्रांसवर्स रखने के लिए उसका पॉइंटर किस साइड पे है, पेशेंट के राइट साइड। तो जो पेशेंट के जो राइट वाले सारे स्ट्रक्चर है वो हमें स्क्रीन के किस साइड पे नजर आएंगे, लेफ्ट साइड पे, क्लियर है? यस मैम। वो फिर आप यूं कहते हो ना एक्सियल, यहाँ से पूरा स्लाइस उठा के आप स्क्रीन पे ले जाओ यूं, तो जो पेशेंट के इस तरफ वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें स्क्रीन के इधर लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, जो इधर वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो इधर इस तरफ नजर आएंगे, ओके? तो ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको पेशेंट के जो प्रोब की जो पॉइंटर हेड है ना वो ठीक से आपने पकड़ा हो तभी आप ये इस तरह की कर सकते हो, ठीक है। उसको पकड़ने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि आपने प्रोब सही पकड़ी है, ठीक है, या तो आप पॉइंटर हेड चेक कर लेते हो कि आपने पॉइंटर हेड सही रखा हुआ है, या फिर दूसरा आप क्या होता है कि समटाइम्स मशीन के ऊपर फ्लिप हुआ होता है, एक बटन होता है फ्लिप का, वो इधर, तो ये वाली चीजें इधर नजर आ रही होती हैं, ये वाली चीजें इधर नजर आ रही होती हैं, मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि इमेज को हम फ्लिप कर देते हैं कभी, लेफ्ट साइड राइट हो जाती है, तो वो चीज आपने देखनी होती है स्क्रीन के ऊपर टी का बटन ना होता है, टी का सॉरी एक ना वो नजर आ रहा होता है साइन बना होता है यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर, तो टी का मतलब है टेल साइड, तो टेल साइड इस तरफ होनी चाहिए टेल, ठीक है, ये टेल है ना लेफ्ट साइड पे, तो जो भी हमें स्ट्रक्चर इस तरह नजर आएंगे जो हेड वाले हैं वो इस तरह नजर आएंगे, टी हमारा आपने स्क्रीन देखनी है और स्क्रीन को देखते साथ पहले टी को देखना है, टी हमारा टेल वाली साइड जो है वो इस तरफ होनी चाहिए, ओके, ठीक। फिर आपने प्रोब पकड़ ली है, आपका पॉइंटर हेड आप जब इस तरह पकड़ोगे जिस तरह मैंने बताया है तो आपको प्रॉपर सही नजर आएगा। दूसरी चीज इसको चेक करने के लिए आपने प्रोब सही पकड़ी है कि नहीं, नंबर वन तो समझ आ गया ना टी चेक करना है और आपकी जो पॉइंटर हेड है वो आपने देखना है, नंबर टू आपने जब इसके ऊपर प्रोब रखनी है ना पेशेंट के ऊपर, तो जब आप लॉन्गिट्यूडिनल रखोगे अगर आप इसको मूव करोगे ना यूं ऊपर की तरफ जाओगे तो हमारे पास जो है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्क्रीन मूव हो रही होगी, सेम डायरेक्शन में मूव हो रही होगी, दैट मीन्स आपने प्रोब गलत पकड़ी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्क्रीन मूव करनी चाहिए, दैट मीन्स आपने प्रोब सही पकड़ी है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल है अगर आप सॉरी ट्रांसवर्स है उसमें अब आपने प्रोब यूं पकड़ी है, अगर आप इस तरफ को मूव कर रहे हो तो आपकी जो स्क्रीन है मूव कर रही होगी इस तरफ, दैट मीन्स आपने स्क्रीन प्रोब सही पकड़ी है, ठीक है, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब आप कभी कभी होता है पॉइंटर नहीं लगा होता, आप ऐसे ही फटाफट से पेशेंट के ऊपर प्रोब रखते हो, प्रोब रखते साथ ही मूव करोगे इस तरफ को मूव कर रहे हो और स्क्रीन आपकी उस तरफ को जा रही है, दैट मीन्स आपने प्रोब बिल्कुल सही पकड़ी है, समझ आ गई इस बात की? तो इमेज ओरिएंटेशन एंड प्रोब की पोजिशनिंग इज इम्पॉर्टेंट। सांस चढ़ गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज शुड ऑलवेज बी ऑब्टेन विद द ट्रांसड्यूसर पैरेलल परपेंडिकुलर बीम एंड एक्सेस टू द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, दैट मींस कि ये आप फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन है, ये आपकी प्रोब ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया ना, ये हमारे पास ये 90 डिग्री बन रहा ना और ये, ठीक है, हमारे पास वेव्स जो है वो अल्ट्रासाउंड की इस तरह आ रही है और ये हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मींस हमारे पास स्ट्रक्चर्स अच्छे नजर आएंगे इस तरह,
ठीक है। एंड एबनॉर्मेलिटी शुड बी मैयड इन ऑर्थोगोनल प्लेन। जब हम अल्टीफाइड्रस की प्रोब पर रख रहे थे ना, तो ये तो हमने इन कॉन्टेक्ट कर ली स्क्रीन के साथ, और उसके साथ फिर हम अपनी प्रोब को कभी यू डायरेक्शन, कभी यू डायरेक्शन, कभी यू डायरेक्शन, हम लोग पैथोलॉजी को देखने के लिए कि उसके सारे एंगल्स देखने के लिए हम प्रोब को मूव करते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्थोगोनल प्लेन्स में हम अपनी प्रोब की पोजिशनिंग कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट पोजिशनिंग फॉर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन, क्लिनिकल कंडीशन एंड पेशेंट एज। ठीक है। अच्छा, एंड आइसोट्रोपी, ये क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्कुलोस्केलेटल, ये एक आर्टिफैक्ट है। ठीक है, इसको इसकी डेफिनेशन में आपको बताते हैं, वैसे पहले ये पढ़ लो। एन आइसोट्रोपी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल टू डिस्प्ले डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसोलेशन। ये देखो, एन मतलब, अब मैंने आपको कभी भी बताया कोई भी वर्ड हो तो उसकी डेफिनेशन उसके अपने वर्ड के अंदर ही होती है। एन मीन्स एब्सेंट, आइसो मीन सेम, ट्रॉपी मतलब उसका करेक्टरिस्टिक्स या उसकी अपेयरेंस जो भी है, तो एब्सेंट ऑफ सेम अपेयरेंस, आप ये सिंपल सी डेफिनेशन में बना लो कि अगर उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, डैट मीन्स कि हमारे पास वो एन आइसोट्रोपी है। ठीक है, एन आइसोट्रोपी का मतलब है जो कि हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके, और समटाइम्स नहीं होते तो हम इसको आर्टिफैक्ट कहते हैं। दैट मीन्स एक ही स्ट्रक्चर हमें जो है वो एक ही कलर का नजर आ रहा, डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें एक ही कलर का नजर आ रहे थे, दैट मीन्स दैट इज अ आर्टिफैक्ट एन आइसोट्रोपी। अब देखो, इसके अंदर हमें ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। ठीक है, इधर देखो तो ये थोड़ा सा ब्लैक नजर आ रहा है, सिर्फ प्रोब की प्लेसमेंट की वजह से ये सब डिफरेंट हुआ है। सेम पेशेंट के अंदर उन्होंने ये चेक करके देखा। ठीक है, तो प्रोब की जो पोजीशनिंग है, उसकी जो है ना प्लेसमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी इधर उधर भी हुई ना तो उसकी एक्टोजेनेसिटी डिफरेंट हो सकती है, और हम उसको पैथोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इधर कहीं फ्लूइड पड़ा हो। समझ आ गई इस बात को? तो एनिसोट्रोपी टू हैव एन इक्वल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑन ऑल एक्सेस। Most common artifact in musculoskeletal ultrasound on the property of being directionally dependent, आपकी जो probe की direction है वो, और जो हम image जो भी हम अपना visualize कर रहे हैं वो, ठीक है, वो perpendicular होना चाहिए उनकी direction, जो probe की placement जो है वो important role play करती है। If the angle is less than 85 degree, ये वाला angle, ठीक है, ये वाला जो angle होता है, majority of the reflected waves will not be received by the transducer and the tissue will appear hypoechoic. इस बात की पहले मैं बता चुकी हूँ, 90 degree होना चाहिए जितना, अगर 85 से कम है, चलो 85 से 90 हो गया तो और अच्छा नजर आएगा, अगर 85 से कम वो है उसका एंगल तो हमारे पास स्ट्रक्चर hypoechoic नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो perpendicular होना चाहिए 85 से 90 तक जो है वो हमारे पास अच्छी एंगल है किसके लिए, मस्कुलोस्केलेटल को देखने के लिए। सो द टेंडन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आइसोट्रोपिक रिफ्लेक्टर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, कौन से हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आइसोट्रोपिक रिफ्लेक्टर्स हैं? टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं। ठीक है, अच्छा, देन हमारे पास क्या है? रॉकिंग हील टो मोशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू फाइंड द ऑप्टिमम एंगल। जब हम ट्रांसड्यूसर रखते हैं ना तो ये रॉकिंग मूवमेंट होती है ना, ये वाली, इसके अंदर जो है जो ये वाली मूवमेंट करते हैं इसको हील टो भी कहते हैं, हील टो मूवमेंट। ठीक है, तो ये रॉकिंग मूवमेंट को हम लोग करते हुए जो है ना प्रोब के अंदर डिफरेंट एंगल्स को देखते हुए हम लोग उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक बेसिक्स की कुछ चीजें ना समझ आई हूँ, समझ आ रहा है? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल एनाटॉमी। नंबर वन, सबसे पहले मैं आपको ना एक कोई भी वो बताती हूँ कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसके अंदर चीजें क्या क्या होती हैं। समझो ये हमारे पास रफ रफ सा बना रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ रक्षा बना रही है, मैंने बनाया है नी। ठीक है, ये हमारे पास नी है, ये हमारे पास कौन सी बोन है ऊपर? फीमर। फीमर के अंदर कौन सी बोन होती है? फीमर।
ठीक है, ये नीचे कौन कौन सी हैं? टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ज्वाइंट बना रही है जिसको हम नी ज्वाइंट कहते हैं। नी ज्वाइंट, अच्छा नी ज्वाइंट को देखो, बोन से बोन की अटैचमेंट जो हो रही है वो आपको नजर आ रही है कि ये जो साइड में मैंने बनाए हैं, तो ये लिगामेंट्स तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे, जब हम नी पढ़ेंगे ना तो उसी में बताऊंगी, लेकिन मेन क्या है कि ये बोन को दोनों को आपस में ज्वाइन कर रही है, दैट मींस दिस इज लिगामेंट। अगर यहाँ पे एक मसल आ रहा है, मसल आगे से टेंडन बन जाता है और यहाँ पे आके बोन के साथ अटैच हो जाता है, दैट इज टेंडन, ठीक है। इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक सारा नजर आ रहा है, दैट इज फ्लूइड, ठीक है। और जो हमारे पास बोन्स है वो तो नजर आ ही रही है व्हाइट ब्राइट कलर की, और ये मसल्स है। ये तीन चार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमने देखने होते हैं मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर, और इनकी अपेरेंस सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है। मसल, बोन, लिगामेंट, टेंडन, फ्लूइड, ठीक है, ये बस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमने बार बार पढ़ने हैं, इन्हीं की पैथोलॉजीज पढ़नी है। ये टीयर हो गया, यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा हो गया, ये तीन चार पैथोलॉजीज होगी, ज्यादा से पैथोलॉजीज सारी मिलती जुलती हैं। क्या हो गया, इसका टीयर हो गया, इसका टीयर हो गया, पेशेंट इस कंप्लेंट से आया, दैट मीन्स इसका टीयर हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या कंप्लेंट के साथ आया, ठीक है। उसका टीयर हो गया, मसल रप्चर हो गया, फ्लूइड ज्यादा हो गया, स्वेलिंग है, ठीक है। तो इन्हीं की पैथोलॉजीज हो सकती हैं, बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो ये वाले चार पांच स्ट्रक्चर्स हैं। तो नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, मस्कुलोस्केलेटल की, हमने मसल्स को ही या टेंडन्स को या लिगामेंट को पढ़ना है। मसल्स, ठीक है, अभी मैंने बताया कि क्या होते हैं, इसमें बंडल्स होते हैं, फाइबर बंडल्स, जो कि स्ट्राइएशंस हमें नजर आ रही होती हैं व्हाइट कलर की, ठीक है। द फाइबर्स हैव अ सिलेंड्रिकल एंड पॉलीहेड्रल शेप, दीज मसल फाइबर्स हैव अ कंसीडरेबल लेंथ वेरिंग फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर्स, लॉन्ग लॉन्ग से होते हैं, ठीक, स्ट्राइएशंस मसल्स की। फाइबर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर, सपोर्टेड बाय द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एक देखें ना मसल को, ये मसल है, उसके तीन लेयर्स होती हैं भाई, एक दो तीन, हमें वो नजर आ रही होती हैं लाइट्स, कभी तो बिल्कुल एक ही वाइट कलर की, कभी हमें बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है तो तीनों लेयर्स अच्छे से नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट जो होती है ना लेयर, जो कि कनेक्टिव शीट से बनी होती है, वो कौन सी होती है, एपिमीजियम, ठीक है। अब मीजियम दैट मीन्स मसल की है, आगे मैं आपको टेंडन की और लिगामेंट की भी, तीनों की जो है ना लेयर्स तीन तीन ही होती हैं, एक एपी होगी, ठीक है, एक पैरी होगी और एक एंडो होगी, तो नाम से बता रहे हैं, उनके नाम के साथ जोड़ लो, अगर एपी मीजियम है दैट मीन्स इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मसल, ठीक है। बनी कैसे होती है, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी लेयर कौन सी है, पेरिमीजियम, फ्रॉम द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ दिस शीट सेवरल सेप्टा invigilate to form the perimysium which surround diverse bundle of muscular fibers named fascicles, ठीक है। और innermost कौन सी होती है, endomysium, ठीक है। और अगर आप इस image में देखो तो आपको नजर आ रहा है कि this is the outermost layer, ये जो blue color की बाहर बाहर जिसने surround किया हुआ है, that is epimysium, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको कुछ ऐसे fascicles, muscle fibers के नजर आ रहे हैं ये गोल गोल से, ठीक है। इनको जिन्होंने surround किया हुआ है वो क्या है, perimysium, ठीक। और हमारे पास एंडोमीजियम कहाँ पे है, ये जो इनर मोस्ट आपको ग्रे ग्रे सी नजर आ रही है, ये हमारे पास इनर मोस्ट जो लेयर है, दैट इज द एंडोमीजियम, दीज आर द लेयर्स ऑफ द मसल्स, ठीक है। एपिमीजियम, पेरिमीजियम एंड एंडोमीजियल कवरिंग्स कम टुगेदर वेयर मसल्स कनेक्ट टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स लाइक टेंडन, अगर मसल्स बोन के साथ अटैच हो रहे हैं वहां पे वो हमारे पास टेंडन हो जाएंगे, अगर वहां पे बोन के साथ अटैचमेंट आ रही है तो वो पेरियोस्टियम होगा, एपोनिरोसिस है, ठीक है, और डरनेस है अगर स्किन के साथ अटैच हो रहा है। आपने मसल्स की शेप, डिफरेंट मसल्स देखे होंगे, कुछ होते हैं हमारे पास अगर देखें तो पीनेट शेप उनकी, इस तरह उसके अंदर स्ट्राइएशन आएंगे, लीव के अंदर जिस तरह देखे आपने, पत्ता देखोगे उसके अंदर यूं से उसके अंदर क्या उसको कहते हैं, लाइन्स होती हैं, इसी तरह जो है ना हमारे मसल्स के अंदर जो फाइबर्स हैं वो हम लोगों को इस तरह नजर आ रही होते हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज के ऊपर जो है, मसल सेप्टा अपीयर्स एज एन एक्टोजेनिक स्ट्रक्चर्स एंड आर सीन एज थिन ब्राइट लीनियर बैंड्स, जो कि मैंने आपको बताई थी कि मसल के अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं, तो वो थिन बैंड लीनियर व्हाइट कलर की लाइंस हमें मसल्स के अंदर नजर आती हैं। तो ये वाला अगर मसल है तो दैट इज स्केलेटल मसल। ऑन ट्रांसवर्स व्यू, अगर इसको, ये तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल नजर आ रहा है मसल,
ठीक है, अब हम मसल्स पढ़ रहे हैं ना, मसल्स की आगे जाके तो पैथोलॉजीज पढ़ेंगे। नॉर्मल मसल का क्या आपको पता होना चाहिए, 3 लेयर्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे तो वो इस तरह की, उसके अंदर व्हाइट कलर की लाइन स्ट्राइशंस लगेंगी, नजर आएंगी। अगर हम उसका ट्रांसवर्स व्यू करेंगे तो वो हमें इस तरह सर्कल सा नजर आएगा, और उसके अंदर ये स्ट्राइशंस लाइंस ना लीनियर लाइंस यू नजर आएंगी। ठीक है, समझ आई? जी मैम। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये बात याद रखना, क्योंकि मैं आगे नर्व की जब बताऊंगी ना, नर्व को अगर हम ट्रांसवर्स व्यू में देखते हैं ना, इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस होती है, नर्व के अंदर भी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नर्व और मसल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मसल के साथ ही कोई नर्व पड़ी होगी वहां पे मसल्स के अंदर ही, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे नर्व है। अब अगर हम ट्रांसवर्स व्यू करते हैं ना मसल का, तो इसके अंदर जो लाइन्स है ना स्ट्राइएशंस, वो इस तरह नजर आती है ट्रांसवर्स व्यू में, लीनियर लाइन्स। ठीक, और जो नर्व है ना, अगर उसको हम ट्रांसवर्स व्यू में देखें ना, तो उसके अंदर जो फाइबर्स है ना, वो इस तरह डॉटेड 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 नजर आएंगे, वाइट डॉट्स नजर आएंगे ज्यादा सारे, तो वो हनीकॉम अपीयरेंस उसको कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक, तो दिस इज हनीकॉम अपीयरेंस, जिसके अंदर डॉट ब्राइट लाइंस नजर आ रही है, दिस इज नर्व, और जिसके अंदर यू लाइंस नजर आ रही है थोड़ी सी छोटी छोटी सी, दिस इज मसल। ठीक है, ठीक है, फिर मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम ट्रांसवर्स व्यू के ऊपर हमें इस तरह की डॉटेड लाइन डॉटेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के, तो ये क्या है? अगर हमें इस तरह की लीनियर छोटी छोटी सी लाइंस नजर आ रही हैं तो क्या है? तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ना? यस मैम। अच्छा, कॉर्टिकल बोन, बोन का क्या है? बोन तो बहुत ही आसान है डिफरेंशिएट करना, जो भी ब्राइट चीज नजर आएगी विद पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इकॉस्टिक शेडोइंग। एक्सीलेंट, ठीक है, तो पीछे हम लोगों को शेडोइंग नजर आ रही है, बोन ब्राइट नजर आ रही है, तो दैट इज बोन। अगर कोई ब्राइट चीज जिसके पीछे पोस्टीरियर शेडोइंग नहीं है, तो वो हमें और भी फैट या कोई और चीज हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पीछे जो है ना आपको शेडोइंग नजर आ रही है विद एक्जेनिक लाइन, वो हमारे पास बोन है। ठीक है, अब आ जाओ टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? जो कि मसल की बोन के साथ अटैचमेंट करवाते हैं। ठीक है, मसल आगे जाके थिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब देखो मसल और उसकी एकोजेनिसिटी कैसे डिफरेंशिएट, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना मसल, और जो टेंडन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा हार्ड होगा ना, तो उसकी एकोजेनिसिटी मसल से थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी, सिर्फ उसकी हार्डनेस की वजह से। ठीक है, तो वो आगे जाके बोन के साथ अटैच कर देगा। मसल से जो अटैचमेंट है बोन की, वो क्या है? वो टेंडन्स है। क्रिटिकल बायोकेमिकल यूनिट्स इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसी की ज्यादा से ज्यादा पैथोलॉजीज होती हैं इसकी या लिगामेंट्स की। ठीक है, ट्रांसमिट द मस्कुलर टेंशन टू द मोबाइल स्केलेटल सेगमेंट, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू द ट्रैक्शन। टेंडन्स कैसे हैं? वेरिएबल इन शेप एंड डायमेंशन, 70% जो है ना इसके अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है। ठीक है, टाइप 1 कोलेजन फाइबर से टेंडन्स उसके अंदर है। अच्छा, प्राइमरी बंडल्स आर असेंबल्ड टू फॉर्म सेकेंडरी बंडल्स विच आर क्लस्टर्ड इन, ये मैं आपको पिक्चर बताती हूँ जिसके अंदर ये देखो द होल टेंडन इज सराउंडेड बाय एपिटेनॉन। अब एपी इसके अंदर भी आ गया, एंडो इसके अंदर भी आ गया। ठीक है, ये देख रहे हो द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिटेनॉन, और वो मीजियम था उसके साथ एपिमीजियम, मीजियम मतलब मसल्स की है। ठीक है, यहाँ पे टिनॉन एंड दैट मींस ये टेंडन की लेयर्स आ गई है। एपिटेनॉन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेंडन, एंडो जो हमारे पास अंदर आपके पास ये फाइबर्स है कोलेजन फाइबर्स हैं, तो इन्होंने सराउंड किया हुआ है, वो एंडोटिनॉन है। ठीक है, उसके अंदर टर्शरी बंडल्स हैं, सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं, ये सारी इसके अंदर बंडल्स हैं, फाइबर बंडल्स हैं। अच्छा, टेंडन्स दो टाइप के हो सकते हैं, सपोर्टिंग भी हो सकते हैं और स्लाइडिंग टेंडन भी हो सकते हैं। स्लाइडिंग टेंडन वहां पे होते हैं जहां पे मूवमेंट का काम ज्यादा है। ठीक है, एंकर या सपोर्टिंग टेंडन्स वो होते हैं जो के सिर्फ उनका वहाँ पे जो है ना मूवमेंट का रोल प्ले नहीं वो करते, वो सिर्फ एक सपोर्ट जो है ना हमें क्या कह सकते हैं कि दो चीज़ों को जोड़ के रखते हैं बस, वहाँ पे मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो एचिलस या पटेलर टेंडन्स आर टिपिकली बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन स्लाइडिंग टेंडन्स, एग्जाम्पल दी हुई है। एचिलस और पटेलर टेंडन्स किसकी एग्जाम्पल है? सपोर्टिंग टेंडन्स। ठीक है, और ये बड़े होते हैं स्लाइडिंग टेंडन्स से, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद द साइनोवियल शीट। ओके, फिर आ जाओ हमारे पास क्या है कि दीज आर सराउंडेड बाय एपिटेनॉन, फिर पेरिटेनॉन और एंड्रोटेनॉन, ये उसकी लेयर्स आ गई हैं।
स्लाइडिंग टेंडेंस कौन से होते हैं? वैब एंड कवरिंग शीट, तीनों साइनोवियल शीट, वो जो है ये क्या थे, इसके अंदर साइनोवियल शीट नहीं थी और उसके अंदर क्या है, साइनोवियल शीट होती है जिसको कहते हैं टीनो साइनोवियल शीट। स्लाइडिंग और सपोर्टिंग का समझ आ गया डिफरेंस, एक है सपोर्ट कर रही है, एक है टेंडन जो कि स्लाइडिंग जो कि मूवमेंट में हमारे पास रोल प्ले करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोज फंक्शन इज टू गारंटी बेटर स्लाइडिंग एंड प्रोटेक्शन टू द टेंडन व्हेन दे रन एडजेसेंट टू द इररेगुलर ओसियस सरफेस साइड्स ऑफ द पोटेंशियल फ्रिक्शन, क्योंकि मूवमेंट से फ्रिक्शन होगी और ये उधर हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ये कवरिंग है वो तो साइनोवियल शीट की कवरिंग नहीं है, उसके अंदर इसके अंदर साइनोवियल शीट की कवरिंग है जिसको टीनो साइनोवियल शीट कहते हैं। वो आगे दो लेयर्स में होती है, एक विजरल लेयर और एक पैराइटल लेयर, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेयर को हम पैराइटल लेयर कहते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको विजरल लेयर कहते हैं। अच्छा, द टू लेयर्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ साइनोवियल फोल्ड और मीजोटिनोन, जहां पे टिनोन आ रहा है दीज आर द लेयर्स ऑफ द टेंडन्स। अ क्लोज कैविटी कंटेनिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इन एडिशन अल्ट्रासाउंड, अब आप लोग कह रहे हो इतना सारा हो गया, बस ये टेंडन खत्म हो जाए, बाकी हम कल करेंगे टेंडन से दो तीन स्लाइड और रहेंगे, ठीक है। इन एडिशन अल्ट्रासाउंड इज द ओनली टेक्निक दैट अलाउज द सोनोलॉजिस्ट टू परफॉर्म अ डायनामिक स्टडी ऑफ द टेंडन, जो कि मैं पहले इसका फंक्शन बता सकती हूँ, उसके एडवांटेजेस बता सकती हूँ अल्ट्रासाउंड के। इट्स अ डायनामिक इमेजिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टेंडन पैथोलॉजी, क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम लोग के पास पेशेंट आता है, वो किसी कंप्लेन के साथ आता है, वो कहता है कि जब मैं मूव कर रहा होता हूँ ना तब मुझे प्रॉब्लम आती है। इस वजह से ये अल्ट्रासाउंड इज इम्पॉर्टेंट कि हम उन जगहों पर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा हो कि मुझे मूवमेंट में पेन होता है, तो हम अल्ट्रासाउंड रखते हैं प्रोब उसकी और उसको फिर कहते हैं अब मूव करो, अब मूव करो, तो हम मूवमेंट करवाते हुए स्कैन कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम इमेजिंग, ये हम अल्ट्रासाउंड में कर सकते हैं। हम MRI के अंदर ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन समटाइम्स हमें मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हम वहाँ पे स्टैटिक इमेजिंग के अंदर पेशेंट की मूवमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है, वो वहाँ पे आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, वो कहेगा मुझे एक्सटेंशन में पेन है, मुझे फ्लेक्शन में पेन है, जो मसल एक्सटेंशन या फ्लेक्शन के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं वो वाले फिर हम लोग देखते हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं एक्सटेंशन मसल्स के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द मेन एडवांटेज कि हमें बार बार कह रही थी कि रियल टाइम इमेजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, दिस इज द पॉइंट व्हाई, ओके। अच्छा, इन लॉन्ग एक्सेस व्यू टेंडन्स अपीयर एज एक्वाजेनिक रिबन लाइक बैंड्स, पीछे उसकी एनाटॉमी हो गई, कितनी लेयर्स होती हैं, किन किन लेयर्स से क्या क्या बनता है, फिर आगे आ जाओ उसकी अपेयरेंस। टेंडन्स अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो उससे मसल से थोड़े से ब्राइट नजर आते हैं, क्योंकि हार्ड हो जाते हैं ना, ठीक है। आप उनकी कुर्बानियां जब होती हैं ना, तो आप देखा करो हर एक चीज को पकड़ पकड़ के, कि उसके लड़के तो काफी करते होंगे, तो वो चीजें ना आपको उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब उसकी हार्डनेस, कोई भी मसल देखो, टेंडन्स देखो किस तरह के होते हैं, लिगामेंट्स किस तरह के होते हैं, तो वो जब आपके जहन में बैठ गया ना कि ये चीज हार्ड है, ये चीज सॉफ्ट है, तो उसकी एकोजेनिसिटी आप खुद से बता सकते हो कि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हार्ड है, ठीक है। तो वो रिबन लाइक बैंड्स होते हैं, वो मोर एकोजेनिक देन मसल्स होंगे, ठीक है। मसल से आगे अब हम टेंडन्स की तरफ आते हैं। क्रिटिकल एरिया, इट्स अ एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑल्सो अ एससीक्यू क्वेश्चन, के क्रिटिकल एरिया या क्रिटिकल जोन किसको कहते हैं। क्रिटिकल जोन वो एरिया है जहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। लेस वेस्कुलराइज्ड जोन्स नेम्ड एज द क्रिटिकल एरियाज, और वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से होते हैं। अच्छा, विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ सेवरल टेंडन डिजीजेस, और वहाँ पे हमारे पास पैथोलॉजी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहाँ पे वेसल्स नहीं होती हैं, ब्लड सप्लाई कम होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एरियाज की एग्जाम्पल एक है प्री इंसर्शनल एरिया ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन ऑफ शोल्डर, एंड दूसरा है एचलस टेंडन, जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है। एचलस टेंडन का बड़ा पता है कहाँ पे होता है, एंकल जॉइंट पे, एंकल जॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये दो जो हमारे पास है ना, ये क्रिटिकल एरियाज हैं, और ये क्यों क्रिटिकल एरियाज हैं, क्यों इनको क्रिटिकल जोन कहते हैं, बिकॉज दे आर लेस वेस्कुलराइज। अच्छा, अब जंक्शंस देख लो, वो जंक्शन जहाँ पे टेंडन और मसल का जंक्शन है उसको कहते हैं मायो टेंडिनस जंक्शन, नाम से बता रहे हैं, मायो मसल, टेंडिनस टेंडन, इन दोनों का जो जंक्शन है जहाँ पे मसल और टेंडन आपस में मिल रहे हैं वो है मायो टेंडिनस जंक्शन, और जहाँ पे बोन एंड टेंडन का जंक्शन बन रहा है वो उसको कहते हैं ऑस्टियो, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड टेंडिनस टेंडन, नेम से बता रहा है जंक्शन जिनको एंथेसिस भी है। At myotendinous junction, usually the tendon fibers are intertwined with the
मायोफाइबर्स, ठीक है, वो जो क्योंकि जंक्शन है बिल्कुल जो मसल है वो अब टेंडन की तरफ टेंडन बन रहा है, तो उसके जो फाइबर्स है ना वो उसके ऊपर इंटरविंग मतलब वहां पे हमें थोड़ी सी इस तरह बिल्कुल स्ट्राइशन स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं मिलेंगी, वहां पे थोड़ी सी ऊपर नीचे इस तरह करके वो साथ साथ क्लोज होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द टेंडन। अच्छा फिर आज रेटिनाकुलम्स क्या होते हैं उसको पता है? कोई भी ऐसी स्पेस जहां से टेंडन्स पास करते हैं मोर देन वन। अब ये जो हमारे पास रिस्ट है ना इसके अंदर दो टेंडन रेटिनाकुलम होते हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर्स। रेटिनाकुलम्स क्या होंगे, एक बैंड है इस तरह करके, ठीक है, उस बैंड के अंदर से डिफरेंट टेंडन्स गुजर के हमारे हाथ में जा रहे हैं ना, यहाँ से जो आर्म से आ रहे हैं डिफरेंट मसल्स के टेंडन्स वो हमारे हैंड में जा रहे हैं, तो ज्यादा टेंडन्स गुजर रहे हैं ना, तो उस स्पेस के अंदर से गुजरना इज रेटिनाकुलम। वो हमारे पास ऐसे रिबन सा ऊपर होता है, वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम हमारे यहाँ पे होते हैं। जिस भी स्पेस से टेंडन्स गुजर रहे हैं ज्यादा सारे उस स्पेस को रेटिनाकुलम कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेटिनाकुलम्स आर कार्पल लिगामेंट ट्रांसवर्स जो होते हैं, एंकल रेटिनाकुलम एंड एंकल से भी हमारे काफी जो है ना वो लिगामेंट्स गुजर होते हैं, फ्लेक्सर एनुलर पुलिस, ठीक है, ये अभी तक के लिए इतना ही काफी है, आगे हम लिगामेंट्स पढ़ेंगे, ठीक। अब आप देखना अब हमारा शुरू हो गया ना, बाकी सारी चीजें इसी से रिलेटेड होगी, लिगामेंट्स कैसे नजर आते हैं वो क्या ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आगे क्या रह जाएगा ये मेन मेन चीजें, मसल पढ़ लिए, टेंडन पढ़ लिए, लिगामेंट पढ़ना है और दो दिन आगे, फिर ये लेक्चर जब हमारा बेसिक का हो जाएगा ना फिर हम पढ़ेंगे सारी रीजन्स, फिर उस रीजन के अंदर हम देख लेंगे मसल्स तो हमने पढ़ लिए वो कैसे नजर आते थे, टेंडन्स देख लिए उसकी एकोजेनेसिटीज कैसे नजर आती थी, ठीक है, मसल्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल व्यू में कैसा नजर आता था, ट्रांसवर्स में कैसा नजर आता था। अब हमने नॉर्मल सारी एनाटॉमी पढ़नी है, अब आपने क्या करना है, अब आप कहोगे फिजियोथेरेपी वालों की तरह मसल सारे याद करने पड़ेंगे आपको सारे, ठीक है, उसमें क्या होता है अगर आपने नी का करना है तो आपने नी के मसल सारे याद करने हैं, लिगामेंट्स याद करने हैं, उसके मेन मेन हम पढ़ेंगे जो हमें वाकई जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, और ज्यादा जितना अच्छा आप याद कर लोगे बेहतर है, लेकिन हम मेन मेन ज्यादा उन पर फोकस करेंगे जो कि हमारे पास ये मूवमेंट से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वाले मसल्स ये मूवमेंट करा रहे थे इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, मसल्स देख लिए, टेंडन देख लिए, आगे जितने रीजन है यही एनाटॉमी। पहला लेक्चर हुआ करेगा उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, रट्टा मारो सारे, ये फ्लेक्सर्स वाले मसल्स हैं, ये एक्सटेंसर्स वाले मसल्स हैं, ये हैं, ये उनके नाम याद कर लो। मेन जो एक दो पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चन या एसीक्यू क्वेश्चन होगा वो मैं बीच में बताती रहूंगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताए, मेरा तो सांस फूल गया, बहुत बुरा हाल हो गया है। मैम एन आइसोट्रॉपी एक दफा रिपीट कर दें। एन आइसोट्रॉपी, अब मैंने आपको बताया था ना कि एक अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास तीन चार ही तो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने देखने हैं, मसल लिगामेंट टेंडन, उनकी एकोजेनेसिटी सबकी डिफरेंट है, ठीक है, कोई थोड़ा सा ब्राइट होगा, कोई थोड़ा सा ग्रे होगा, कोई बिल्कुल व्हाइट होगा, ये तीन चार स्ट्रक्चर्स की। अगर हम लोगों का जो प्रोब है वही हमने अगर सही रखी है, परपेंडिकुलर है उस स्ट्रक्चर के, तो उसकी एकोजेनेसिटी उसकी करेक्ट एकोजेनेसिटी है जो कि उसकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने एंगल दे दिया है 85 से कम एंगल का हो गया है हमारा प्रोब और जो हमने स्ट्रक्चर देखना है तो उसकी एकोजेनेसिटी डिफरेंट हो जाएगी। सो जो डिफरेंट एकोजेनेसिटीज हैं वैसे तो वो एक हमारे पास आर्टिफैक्ट है कि डिफरेंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो अल्ट्रासाउंड के अंदर जो मस्कुलोस्केलेटल के अल्ट्रासाउंड है उसके अंदर हमें डिफरेंट एकोजेनेसिटीज नजर आनी चाहिए, बट विद जो हमारी जो प्रोब की पोजीशन है अगर करेक्ट है तो। अगर हम लोगों ने प्रोब की पोजीशन प्लेसमेंट की गलत रखी है और उससे हमारी जो डिफरेंट एकोजेनेसिटीज नजर आ रही हैं तो वो तो है ही आर्टिफैक्ट ना, ठीक है। एन मतलब उसके नाम से देखो, एन एब्सेंट, आइसो सेम, करेक्टरिस्टिक एब्सेंट ऑफ सेम करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डिफरेंट एकोजेनेसिटीज नजर आनी चाहिए, ठीक हो गया, समझ आई? यस मैम, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बाकी तो आपने बस मेन मेन बेसिक्स ही पढ़े हैं, मसल्स की क्या एनाटॉमी होती है, टेंडन्स की क्या होती है, क्रिटिकल जोन कौन सा होता है, ठीक है, और क्या इंडिकेशन है मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करने के लिए, कौन सी प्रोब यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब, प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, अभी तक ये चीजें पढ़ी हैं सारे, मेरा ख्याल है क्वेश्चन जो है वो
एग्जाम्स वाले हैं ना मेन मेन से, ठीक है? चलो बंद करें अब लेक्चर. कितने स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट? 70. माशाल्लाह सारी आए हैं. लो मैम 71 हो गई. 71 हो गया. मेरे स्ट्रेंथ ही मेरे पास 69 की आ रही थी. दो तो मेरे पास रजिस्टर्ड भी नहीं है. अच्छा जिनकी अब ना एक और चीज, मैं ए पोर्टल पे आप लोगों की अटेंडेंस लगाती रहा करूंगी. मुझे वैसे तो मेरे पास ये जब मैं रिकॉर्ड जाके देखूंगी जो जो प्रेजेंट होंगे उनका नाम और जितने वो मिनट्स के लिए आ रहे होते हैं बच्चे, अगर एक एक दो दो मिनट के लिए ऑनलाइन आके गए उनकी तो एबसेंट लगेगी लगेगी. मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है कितने कितने मिनट के लिए कौन कौन प्रेजेंट था, ठीक है? तो अगर ऐसा स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट था मेरे पास लेकिन मैंने उसको ईमेल नहीं किया है, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा मेरे पास एलएमएस के ऊपर, क्योंकि आजकल ना एयर ड्रॉप चल रहा है आपको पता है. तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास अभी तक आए हैं वो तो 69 आए थे. कुछ देख लेना अगर एक दो जो रह गए हैं जिनको ईमेल्स नहीं गई हैं या फिर उनकी अटेंडेंस नहीं लगी, वो मुझे एबसेंट लगी है ना, वो ए पोर्टल को फौरन देखते हुए मुझे बताएं कि मेरी एबसेंट लगी हुई है और मैं प्रेजेंट था, तो मैं वो देख लूंगी कि अगर वाकई वो प्रेजेंट था तो मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगी. ए पोर्टल आपने देख लेना आजकल जब तक ये रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम चल रहा है ना, भी एड ड्रॉप, तो कोई बच्चे ऐड कर रहे हैं कोई ड्रॉप कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आती अभी तक. ठीक हो गया मैम, ये स्लाइड्स प्लीज शेयर कर दें. हाँ मैं ईमेल करती हूँ जाके, एलएमएस पे भी डाल देती हूँ और आप लोगों को ईमेल भी कर देती हूँ. बाकी रिकॉर्डिंग भी ये जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम थैंक यू. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.